जस्ट अ नंबर, इस बात को मजबूती से बताने और झारखंड की कला संस्कृति के खूबसूरत रंगों को पूरी दुनिया को दिखाने 52 वर्षीय मम्मी चली दुबई। झारखंड के पारंपरिक पोशाक में छऊ नृत्य का अभ्यास करती ये है जमशेदपुर की विक्टर बेबसन मेजर, जो झारखंड की कला और संस्कृति के खूबसूरत रंगों को दुबई में दिखाने वाली हैं। इतना ही नहीं, 52 वर्ष की ये मम्मी बली डांस कर फ्लोर पर आग भी लगाने वाली हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता हॉट मॉन्डे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 में हिस्सा लेने बेबसन दुबई जा रही हैं। सरकारी नौकरी में रहते हुए अपना फर्ज निभाने के बाद बेबसन अब अपना शौक जीना चाहती हैं। मेरा पैशन भी है कि कुछ बड़े और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैं अपनी प्रतिभा को दिखा पाऊँ, तो इसके लिए मुझे हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हूँ। और इसके लिए मैं पिछले एक साल से तैयारी कर रही हूँ और इसमें जो टैलेंट राउंड है इसमें मैं झारखंड के छाऊ डांस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और साथ ही इटली बेस्ड बैले डांस भी मैं इसमें प्रस्तुत कर रही हूँ। 19 अक्टूबर को प्रतियोगिता होनी है। 4 दिन की कठिन चुनौतियों के बाद जीत हार का फैसला होगा। बेबसन का कहना है कि वो दुनिया को बताना चाहती हैं। बेबसन कहती हैं कि वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि ट्राइबल बैकग्राउंड से निकली महिला क्या कुछ कर सकती है, इसे दुनिया को बताना है। इसमें इंटरनेशनल कॉन्टेस्टेंट हैं और इंडिया के सभी प्रांत से कॉन्टेस्टेंट हैं और इंटरनेशनल कॉन्टेस्टेंट में कैनेडा, US, इंग्लैंड, जर्मनी, दुबई, ओमान जैसे विदेशों से प्रतिभाएं आ रही हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मैं झारखंड राज्य को लीड कर रही हूँ और मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ये बैकग्राउंड हमारा ट्राइबल बैकग्राउंड है जिसमें औरतों के बीच में शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, आज भी वो जंगलों के बीच में रहते हैं। इसीलिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनके बीच से निकल करके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं अगर आगे बढ़ सकती हूँ तो हमारी बाकी भी आदिवासी महिलाएँ और झारखंड में भी कुछ ही महिलाएँ आगे आ सकती हैं। बहरहाल बेबसन ने अपनी तैयारी कर ली है। हम भी आशा करते हैं कि वो झारखंड का नाम दुबई में रोशन करके लौटेंगी। समाचार प्लस के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।